बुलाए, दूसरों को हाथ दे के बोलिए मैं आया नहीं, यीशु ने मुझे बुलाया है, यीशु मुझे बुलाया है, यीशु मुझे बुलाया है, इसलिए यीशु मुझे एक सरप्राइज देना चाहता है। Come on, hallelujah! अगर आपको कुछ सरप्राइज चाहिए, यीशु के पास आइए। एक बार हमें, मेरे को बहुत अच्छा लगते हैं हमें पत्रोस के बारे में बोलने के लिए। एक बार पत्रोस को मिला, पहले बार उनके जिंदगी में बहुत बार यीशु के बारे में सुना हुआ था, लेकिन एक बार वो मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा था, लामे उस रात में कुछ भी नहीं मिला। उसने वो जाल को जा में दो रहा था किनारे पे, उनके नाव को खड़ा करके सब कुछ खत्म, कुछ भी हमें अच्छा नहीं दिखते हैं, सब काली दिखते हैं, लेकिन उस वहां यीशु आ रहे। यीशु एक जगह पे आना आता है तो भी उसके पीछे यीशु को एक उद्देश्य है। हालेलुया बोले। तो इस जगह पे यीशु आया तो भी यीशु खाली आपको देखने के लिए नहीं आया है, आपका विषय को परिवार करने के लिए आया है, आपके विषय को परिवार करने के लिए आया है। आप क्या विषय लेके यहां आया है, ये विषय को परिहार करने के लिए, और कोई ये दुनिया में नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा, संस्था से नहीं होगा, रिलीजन से नहीं होगा, कोई मनुष्य से नहीं होगा, दुनिया का बड़े बड़े दोस्तों से नहीं होगा, आपका कोई भी बुद्धि ज्ञान ताकत से इवन पैसा से भी नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह आगे समथिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल करना चाहता है, इसलिए यीशु बुला रहे मेरे पास आओ। पत्रोस को बोला, पत्रोस तुम्हारा नाव दे मेरे लिए थोड़ा समय के लिए दीजिए। हालेलुया। कितने लोग अपना कोई भी चीज हो, नाव हो, घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, पैसा हो, जो चीज यीशु के लिए देते ना, पूरा मन से देते, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, परमेश्वर उसको भरा के देता है। हालेलुया बोलो। कम ऑन, आपको जो है दो, पांच रोटी है तो भी चलेगा, दो मछली है तो भी चलेगा, आपका हाथ में एक छड़ी है तो भी चलेगा, प्रभु का हाथ में देने के लिए मन है तो प्रभु उसको आज आशीष करके देने के लिए तैयार हो। खाली हाथ से और खाली में नहीं छोड़ना चाहता हूं। नाव पे यीशु बैठा, वचन देना शुरू किया। थोड़ा देर के बाद पत्रोस को बोला, हे पत्रोस अभी गहरे पे लेके जाके जाल डाल दो। Amen. उसने बोला, उसका तत्वज्ञान उसने बताना शुरू किया। आपके पास भी कई तत्वज्ञान होगा, ये है, ऐसा है, वैसा है, आपका तत्वज्ञान से भी ऊपर परमेश्वर का तत्वज्ञान कार्य करेगा। हमें परमेश्वर का फिलोसफी भी है, आपका फिलोसफी भी है। हेलो, दुनिया का फिलोसफी हमें है और परमेश्वर का स्वर्गीय फिलोसफी है। Come on, परमेश्वर का तत्व ज्ञान और संसार की तत्व ज्ञान दोनों बहुत फर्क है। हालेलुया बोलिए। क्योंकि कल रात को मैं पूरा हमें जाल डाला, एक बच्ची भी मुझे नहीं मिला, लेकिन यीशु आके बोलते हैं, मैं कहता हूं जाल अभी अंदर जाके गहरे पे जाल डाल दो। Something miraculous, something supernatural is waiting for you। मेरा भाइयों बहनों, आज कलीसिया में पवित्र आत्मा बताने, हो सकते आप पहली बार यहां आया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोलो प्रॉफेसी देना चाहता हूं, आप आया खाली हाथ से, लेकिन प्रभु आपको बनाना चाहता है, एक गहरे पे लेके जाना चाहता है, आपके परिवार का भविष्य को जानने वाला परमेश्वर आपको भरा के भेजना चाहता है। दूसरों को हाथ दे के बोले है, परमेश्वर आपको खाली हाथ से नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जो लाया है इधर डाल के तेरा जाना। हालेलुया। कई लोग बोल, पास्टर जी मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है कुछ। मैं कहूं, किसको बोला पैसा देना है? आपका 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 जो प्रेम है ना, इधर डाल के दो। आपका जो दया है, करुणा, कितने लोग को करुणा है, कितने लोग को करुणा है, कितने लोग को करुणा है, करुणा भलाई करने का सुबह। हालेलुया। हाँ,
तो करुणा दिखाओ, भलाई दिखाओ। मैं एक कलीसिया में गया तो पूछा, आज कितने लोगों भलाई किया? कुछ भी भलाई नहीं किया। कोई भी भलाई नहीं किया है। भलाई नहीं करते तो आप कौन सा चमत्कार और कौन सा ज्योति बन सकता है? ज्योति मतलब प्रकाश देने वाला, बराबर? प्रकाश लेने वाला नहीं, प्रकाश देने वाला। कौन सा प्रकाश? में हर दिन टॉर्च लाइट जैसा हमें एक लाइट लेके ऐसे चालू करके चलू। यीशु बोला तुम जगत का ज्योति हो, जैसा मैं जगत का ज्योति है वैसा तुम भी जगत का ज्योति हो। ज्योति का मतलब यही है तुम्हारा प्रकाश दूसरे लोगों को मिलते हैं। इधर लाइट देखिए, लाइट कितना अच्छा से उजाला हमको देते हैं। वो उजाला हमको दे रहा है, वो नहीं ले रहा है। दूसरों को हाथ देके बोलो, अगर आप ज्योति है दूसरों को भलाई करते रहना। कई अंधकार दिख रहे, हालेलुया, आमेन। कितना ज्योति, ज्योति का एक विशेष है, हमेशा ज्योति प्रकाश देते रहते हैं, आमेन। आपसे कुछ ना कुछ लोगों को मिलना है, मरने से पहले ना कुछ देखे जाना, ऐसा नहीं लेके जाना, हालेलुया, कुछ देखे जाना है। कई लोगों को हमारे द्वारा कुछ मिलना है, आमेन। आज से शुरू करो भलाई करना, दूसरे लोग हमसे मालूम पड़े प्रकाशित होना मतलब हुए है। समझो आपको इतना ज्यादा कुछ करने को नहीं होता है। कई लोग का नाम मन में ले लो, प्रार्थना चालू करो, अगला हफ्ते मैं उसको सुसमाचार बोलना चाहता हूँ, प्रभु जी उनको मेरे पास लेके आइए, नहीं तो मुझे वहां लेके जाइए कि वो मेरे साथ मेरे कलीसिया में आ जाए। ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद बोलो, आमेन। ऐसा एक भलाई का सोच, प्रभु जी मुझे प्रार्थना करना है, मेरा दोस्त के लिए प्रे करना है, उनको तभी ठीक नहीं है, वो बहुत एडिक्शन में है। मेरे परिवार के लिए मुझे प्रार्थना करना है, वो उनका स्वभाव सही नहीं है। वो मेरा परिवार, मेरे बाजू का, मेरे दोस्त का, मेरा सगा भाई का प्रॉब्लम चल रहा है। तो भलाई करने में हम बढ़ना चाहिए, हालेलुया। आज का बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम स्वार्थ हो जाता है। यू नो मसीह जिंदगी मतलब निस्वार्थ होना है। मसीह जिंदगी मतलब अपना आपको इंकार करना और दूसरों को बड़ा करना। देखो चुपचाप बैठते हैं, अच्छा नहीं लगा है, हालेलुया। बोलेंगे नहीं यीशु, यीशु क्या बोले? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं अपने आप को इंकार करना। बोलिए अपने आप को इंकार करना। क्या है अपने आप को इंकार करना? मतलब मेरा सेल्फिशनेस, मेरा और मेरे लिए। हमारा गांव में पुराना टाइप एक क्या बोलते हैं उसको, वो जो वो उसको मेरे को हिंदी में नहीं मालूम है, लेकिन कई तरी बोलते हैं मलयालम में, वो जो हाथ से कपड़ा को बनाते हैं, चरखा, मतलब उसमें ऐसा करेगा और ऐसा करेगा, ऊपर से खींचेगा, ओके, और राइट से ऐसा करेगा और यहां से भी ऐसा करेगा। सो मेरे लिए, मेरा पति के लिए, पति के लिए, मेरा बच्चा के लिए, हालेलुया। सी दैट इज सेल्फिश। सो इशू स्टार्टिंग अपने शिष्य को सिखा रहा है कि इफ यू वांट टू बिकम ए डिसेबल, अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है, मेरे जैसा बनना चाहता है, मेरे पीछे स्वर्ग में जाना चाहता है, तो मेरे जैसा होना चाहता है, तो मैं जैसे इंकार करके आया, मेरा महिमा को छोड़ के मैं मनुष्य का रूप लिया, जैसा दास का रूप लेकर दुनिया में इतना दीन होकर मारने लोगों को मारने के लिए, हमें दुखने लोगों को दुखने के लिए, निंदा करने लोगों को निंदा करने के लिए, हमें अपमान करने लोगों के लिए अपमान करने
करने के लिए अपन आपको जैसा त्याग किया वैसा एक सैक्रिफाइस अगर आपके जीवन में रहता है तो तू मेरा शिष्य बन गया है। ताली बजाकर धन्यवाद करें मेरे प्रियो, आज तैयार हो रही है मुझे यीशु का शिष्य बनना है। दैट मींस यीशु का शिष्य का मतलब यही है अपना आप को इनकार करके क्रूस उठाना। बोलिए क्रूस उठाना। क्रूस उठाना मतलब यीशु का क्रूस हमें उठाने का जरूरत नहीं है, यीशु यीशु का क्रूस उठाया। आमीन। जैसा कई साल आते समय यीशु का क्रूसीकरण का समय कई लोग क्रूस उठा के चलते हैं, हम यीशु का क्रूस उठाने का जरूरत नहीं है और हमको उठाने को भी नहीं होते। आमीन। लेकिन हमको प्रभु अपना अपना क्रूस दिया हुआ है। हालेलुया बोलिए। दैट इज वी कॉल सैक्रिफाइस। आमीन। क्या है सैक्रिफाइस? वो है हमारा क्रूस, मतलब हम सैक्रिफाइस करने के लिए त्याग का एक मनोभाव में हमारा जिंदगी को बदल करना है। हालेलुया हालेलुया। त्याग होना चाहिए, सैक्रिफाइस होना चाहिए, हमारा टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम क्षमा करने से सैक्रिफाइस होता है, क्षमा क्षमा करना बोलेगा तो उससे बढ़कर कुछ भी नया नियम का थियोलॉजी और कुछ भी नहीं है। हमें नया नियम का मेन स्टैंडर्ड जिंदगी बोलेगा तो फॉर्मिंग द लाइफ विद द फॉरगिवनेस, मतलब जो 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 क्षमा से हम जिंदगी चलाते हैं वो है पवित्र आत्मा हमसे चाहता है। हालेलुया बोले जो से हालेलुया बोले। तो मैं बोल के आ रहे विषय पत्रोस के पास भी यीशु आके बोला यीशु आमीन मैं पत्रोस तू गगरे पे लेके चल और वहां मेरे बात के अनुसार तू डालो तो समथिंग सुपरनैचुरल तू देखने के लिए जा रहे। उसने विश्वास से यीशु के बात को सुनकर मैं कल रात को मेरे तत्व ज्ञान के अनुसार मैंने ऐसा ऐसा किया तो भी मैं निर्णय लेता हूं आज यीशु तेरे वामे वचन के अनुसार तेरे बातों के अनुसार तेरे दिशा में मैं मेरा लाइफ को मेरा जिंदगी को तैयार करता हूं। कितना लोग ये कॉन्ग्रीगेशन में है आमीन प्रभु यीशु आप मुझे दिशा को दिखा दीजिए वही दिशा में मैं चलना चाहता हूं, वही दिशा में मैं बढ़ना चाहता हूं। चाहे मेरा पिछले दिनों में मैं ऐसा नहीं चला होगा, चाहे पिछले दिनों में ऐसा मैं सोचा भी नहीं होगा, बट यीशु आप कौन है करके मुझे मालूम है, क्योंकि आप एक शब्द बोलेगा वो बाद में सुनेगा तो चमत्कार है करके मुझे मालूम है। हालेलुया हालेलुया। How many of you want to see the supernatural in your life? कितने लोग आप चाहते हैं मेरा जिंदगी में आज एक supernatural देखना है? हाथ उठाइए। क्या करना है आप? थोड़ा से और गहरे पे जाना है। दूसरों को हाथ देके बोलिए आप एक go deeper, गहरे पे जाना है। कहाँ जाना है? हम किनारे पे खड़ा रहते हैं हमारा प्रॉब्लम बोल के साथ। कल रात को पूरा मेहनत किया मुझे कुछ भी नहीं मिला, अरे जिंदगी कैसा खराब हो गया, कोई भी मुझे मदद करना था नहीं, मेरा पति भी मेरे को ध्यान नहीं देता है, मेरे बच्चे लोग भी मेरे से प्यार नहीं करते हैं, अरे मेरा माँ मुझे प्यार नहीं करते है, मेरा मामा छोड़ दिया, मेरा चाचा छोड़ दिया, मैं सोच सब लोग मेरे से प्यार करेगा लेकिन ये दुनिया पूरा खराब कर रहे मेरा जिंदगी, ऐसा बोल के किनारे में खड़ा रहने से आपका जिंदगी पूरा बेकार हो जाते रहेगा। इसलिए आज निर्णय लीजिए मुझे हमें गगरे पे जाना है। हालेलुया मुझे गगरे पे जाना है क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है जाओ गगरे पे जाओ, चल डालो आपके लिए कुछ मैं वेट रख रहा है। तो बात को सुन के उसने जाल डाला, हम बढ़ते हैं वो जाल भर के मच्छियां। कल रात को जाल कितना डाला था? एक भी उपा, उपा मतलब एक मच्छी का नाम। हालेलुया। एक भी मांदली है, छोटा मच्छी भी उसके अंदर। धन्यवाद बोलो, मेरा बहुत सारे काम निष्फल होते जा रहा था,
धन्यवाद, कारण आपके लिए यीशु आगे एक सुपर नेचुरल लेके आ रहा है, एक सरप्राइज लेके आ रहा है। हालेलुया बोलिए, यीशु उनके जिंदगी में एक सरप्राइज देना चाहता है। आज भी मुझे पवित्र आत्मा बता रहे, ये कलीसिया में आए हुआ कई जिंदगी में यीशु एक सरप्राइज देना चाहता है। वो इतना साल में मेहनत किया, इतना मेहनत करने से भी परिश्रम बहुत व्यर्थ हो गया। बहुत सारे एरिया से मैं प्लान किया था, मेरा सारे प्लान मेरे लिए उल्टा हो गया, लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है जीसस इज वेटिंग विथ ए सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज रख के बुला रहे, आओ इक्के गरे पे जाएंगे, वहां तुम्हारे लिए एक सरप्राइज मैं देना चाहता हूं। जिस जगह पे सब कुछ नष्ट हो गया, जिस जगह पे तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, जिस जगह पे आपका जिंदगी दुख दिया है, वही एरिया पे, वही जगह पे, वही समुद्र पे, वही जल से प्रभु यीशु चमत्कार कर दिया है। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट। पत्रोस का जिंदगी में एक सरप्राइज जब आया वो एक टर्निंग पॉइंट था। हमें बोलो, आपको भी एक टर्निंग पॉइंट है आ रहा है। बोलो, आज मेरा सरप्राइज का दिन है। बोलिए बोलिए, हाथ उठा के हालेलुया, आज मेरा उन्नति का दिन है। बोलिए, आज मेरा टर्निंग पॉइंट का दिन है। हालेलुया। साहब एक मतलब पत्रों से एक निर्णय 100% उसने निर्णय लिया। क्या लिया? बाइबल कहते हैं वो मच्छी पकड़ने के लिए रात पूरा परिश्रम किया। वो आदमी प्रथा पे एक निर्णय ले रहे हैं। आमीन। बहुत बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद हो गया। उनको दोनों नाव बरा दिया। आखिरी में यीशु का पाप पे आके गिरा और बोला, यीशु मैं भाभी मनुष्य हूं, मैं भाभी मनुष्य हूं, ऐसा बोलने की जरूरत क्या है? और इतना मच्छी मिला जाके बेच के एक अच्छा बिजनेस वाला बनो, एक अच्छा नेता बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। लेकिन उसने निर्णय ले रहा है कि मेरे पास इतना धन संपत्ति का चीज है, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा बता रहे कि मैं उसके पीछे नहीं जाए, मैं यीशु का पाव पे जाके गिरे। हालेलुया बोले। मेरा भाइयों बहनों, जब आपको उन्नति आते हैं, जब आपको अच्छा खाना मिलते हैं, कपड़ा मिलते हैं, अच्छा घर मिलते हैं, अच्छा काम मिलते हैं, अच्छा शादी हो गया, अच्छा लड़की मिला, अच्छा लड़का मिला, घूमने के लिए जाते रहो मत। आप प्रभु के चरणों में आके प्रभु ने किया वो उपकार के लिए धन्यवाद करो। उसके चरणों में आके गिर के बोलो, प्रभु जी मैं पापी मनुष्य हूं, दैट मींस आई एम अनवर्थी पर्सन, मैं ये स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं हूं। बिकॉज ऑफ योर ग्रेस, आगे तेरा कृपा से मुझे ये मिला है, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु को खुश हो गया। कितने लोग यीशु को खुश हो देना चाहता है? यीशु ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? यीशु आपके लिए कुछ चंगा किया? यीशु आपका परिवार के लिए कुछ अच्छा किया? आपका फैमिली सुधर गया? आपका पति सही हो गया? तो यीशु आपसे कुछ प्रतीक्षा कर रहा है। इस एक्सपेक्टिंग सामने क्या है? आप उसके चरणों में आकर आवे मैं पापी मनुष्य करके कहे हालेलुया, आवे मैं योग्य नहीं करके कहे, और उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया बोले। और उसके बाद हम वहां पढ़ते हैं वो क्या बोला, वो क्या बोला मालूम है? इतना बोलने से यीशु ने उनको देख के कहा, तू ये देखे इतना है, आवे देखे खाली तुम्हारा नाव पे क्या देगा? मच्छी देगा। तो ये मच्छी को देखे तू इतना अचंभ हो रहे है, सरप्राइज आकर के लगा, तो मैं तुझे सच कहना चाहता हूं। दिस इज व्हाट द प्रोफेसी
This is what परमेश्वर स्वर्ग से तेरे से चाहता है. तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे बोल 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 मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा. ताली बजाकर एक शुभ धन्यवाद दीजिए. क्या मच्छी बड़ा है या मनुष्य बड़ा है? फिर मच्छी के पीछे क्यों ज्यादा भाग रहे? हालेलुया, प्रेज गॉड. मच्छी को पकड़ने वाला को कहता है मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा. आमेन. दैट इज द प्रोफेसी. एंड उसके जिंदगी में आने वाला एक बात को प्रभु यीशु मसीह उधर तुरंत वो पापी मनुष्य करके जब यीशु के चरणों में आके गिरा, तुरंत यीशु ने बता रहे एक प्रोफेसी, तू एक मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा. आमेन. हालेलुया. कितना यीशु के चरणों में बढ़ते हैं, कितना अपना पाप को पश्चाताप करते हैं, उतना आपको प्रभु कौन बनाते हैं? आपके एक प्रमोशन देना चाहता है. आपका काम में एक प्रमोशन, आपका जिंदगी में एक प्रमोशन. व्हाट इज द प्रमोशन? कई लोग बोलते मुझे एमएन एक छोटा काम मिला था, मैं वहां का एमडी बना दिया. That is the promotion, है क्या नहीं? दुनिया के लिए प्रमोशन वो है, लेकिन यीशु के लिए प्रमोशन बोलेगा तो एक व्यक्ति जो मच्छी पकड़ने वाला था वो मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया है. Come on, hallelujah, बोल. कलीसिया को पवित्र आत्मा आज कहते हैं कौन सा टाइप प्रमोशन आपको चाहिए? क्या आपको मच्छी चाहिए? क्या आपको पैसा चाहिए? क्या दुनिया का कोई धन संपत्ति चाहिए? क्या आपको कार, घर, गाड़ी, चमक ऐसा कुछ चाहिए? या मनुष्य को पकड़ना चाहिए? हालेलुया. जो से हालेलुया बोले. आप अगर ये प्रमोशन पाएगा ना, मुझे पवित्र आत्मा बता रहे अगले बार ये कलीसिया नेक्स्ट ईयर आमे टच होने से पहले, हालेलुया, ये जगह कमी अभी भी दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे हमें मुझे पवित्र आत्मा बता रहे इसका चार गुण डेवलपमेंट में पवित्र आत्मा इसको बड़ा करेंगे. हालेलुया बोलिए. तो आप तैयार हो जाओ मनुष्य को पकड़ने के लिए. आप नीचे मत देखो, आप परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन पे चलो. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. आपका दोस्त को इवन इधर बैठने वाला हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स और जगह जगह आप काम करने के लिए जाते हैं, जहां जहां आप रहते हैं वहां पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है. इफ यू सरेंडर बिफोर द आगे आगे फीट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सन्निधि में अगर आप समर्पण करेगा, आत्मा आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे. मेरे विषय में लेके आ रहा हूं मैं ये सब आमीन बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन एक बात मैं बोल के जा रहा हूं फटाफट. ये सारे काम प्रभु यीशु पत्रोस को बताने के बाद यीशु के पीछे पत्रोस आने लगा, और बाद में वो पीछे नहीं गया, वो यीशु के पीछे चलते रहता था. बोले यीशु के पीछे चल. अपन आपको इंगार दिया, सबको छोड़ दिया, उसके पास जो कुछ था वो सब छोड़कर यीशु के पीछे चला. तो एक बार पत्रोस पूछा, हे प्रभु यीशु, हम ये सब छोड़ के तुम्हारा पीछे आया, हमको क्या मिला? आज भी कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं, अरे अब यीशु के पास गया तेरे को क्या मिला? हालेलुया, क्या बड़ा मकान मिला? क्या बड़ा कार मिला? बड़ा काम मिला? क्या मिला? बच्चा मिला? हालेलुया. जो से हालेलुया. Yes, पत्रोस बोला, जो यीशु को पूछा, यीशु मैं हम लोग सब कुछ छोड़ के आए, सो हमको क्या मिलेगा? यीशु ने बोला, जो मेरा नाम से जो कुछ छोड़ा, उधर बहुत कुछ बोलते हैं, इवन प्राइस के बारे में बोलते हैं, जगह घर और आपका सगा भाई बहन माता पिता घर. हेलो, अगले बोले घर भी छोड़ दिया.
बहुत कुछ छोड़ दिया, तो छोड़ा हुआ व्यक्ति के बारे में वहां यीशु पकड़ते हैं उसको, ये दुनिया में कितना गुना पड़ा नहीं, 100 गुना फल वो वापस उनके पास पाएगा। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। दूसरों का हाथी बोलो छोड़ो 100 गुना मिलेगा। आगे बोलो, लेकिन हम पकड़ते रहते हैं, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कुछ भी बोलो मैं कुछ नहीं छोड़ेगा, ऐसा बैठने लोगों को 100% नहीं मिलेगा। आमेन ना। इसलिए बाइबल कहता है लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 4वां अध्याय उसका 38 में लिखा है, दिया करो क्या, आमें दिया करो। दूसरों को हाथ एक बोलो दिया करो, हाँ। लेना नहीं, लेने के लिए मत बैठो, दिया करो, दिया करो। तो दिया करो तो वहां क्या लिखा है, दबा दबा कर हमको दबाने का, इतना दबाना नहीं पास्टर जी, हमने भाई दबा दबा कर हिला हिला कर और तुम्हारा मालूम नहीं है, तुम्हारा मामा का गोद में करके नहीं लिखा है, तुम्हारा गोद में डाला जाएगा प्रभु। हालेलुया बोले। जिस जो व्यक्ति प्रभु के लिए देते हैं छोड़ते हैं उसके लिए प्रभु देने के लिए बैठा है। हालेलुया। पत्रोस को जैसा बोला मैं कुछ मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा, सब कुछ छोड़ेगा तो सब मिलेगा बोला, वही पत्रोस को हम प्रेरितों का पुस्तक दूसरे अध्याय में जो प्रार्थना करके बैठ रहा था, अन्य भाषा में भरा, पवित्र आत्मा से भरा, दाखरस से पीया पीकर अन्य भाषा का शक्ति उधर प्रकट हो गया और उसने खड़े होकर वचन देना शुरू किया। 3,000 लोग उसी दिन तुरंत बपतिस्मा लेकर कलीसिया स्थापना किया। ये कैसा हो रहा है, लोग एक व्यक्ति भी मेरा पीछे नहीं आता था, अभी देखिए मैं एक बार खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया, लोग 1,000 नहीं 2,000 नहीं 3,000 लोग एक साथ बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। मुझे भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहे कई परिवार को देखे, आपके परिवार के बारे में आप दुख में यहां आया है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है यीशु के पीछे जाओ 100% आत्मा में सब कुछ बदलेगा। हालेलुया हालेलुया। बीच में एक बात समझने का, भविष्यवाणी ये है तू मच्छी पकड़ने वाला से मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, तुरंत बना है? उसके लिए बीच में एक टाइम है, बोलो टाइम है, आप देखे बोलो टाइम है, तो वो टाइम में उठना नहीं, बीच में उसको उठने के एक मन आया था, कौन है बड़ा, मैंने क्या तू है क्या, ऐसे महान कौन है ऐसे एक बीच में एक बात आया। हालेलुया। तो यीशु उसको डांटा है, तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे बीच में ऐसा, वो जाति का समान अन्य जाति लोग ऐसा करते हैं, हम अन्य जाति लोग नहीं है, हम परमेश्वर का, क्योंकि हम हमारा ऊंचा कोई मनुष्य से नहीं आता है, हमारा ऊंचा परमेश्वर से आता है, हमारा प्रमोशन, हमारा उन्नति, हमारा स्थान कोई मनुष्य हमको चुन के नहीं देता है, परमेश्वर हमको देता है। कितने लोग ये मालूम है, आपके बढ़ोतरी के लिए आप कोई मनुष्य का चेहरा पे देख जाना बंद, ये मुझे मदद करो, नो नो नो, आपका उन्नति कोई मनुष्य के पास नहीं दिया हुआ है, आपकी उन्नति परमेश्वर से आता है। हालेलुया। कितने लोग बोल सकता है ये बात, परमेश्वर से मेरा उन्नति आता है, जो से बोलो मेरा उन्नति, आप
आपने दक्षिण से नहीं आता है, पश्चिम से नहीं आता, मुंबई से नहीं आते, केरल से नहीं आते, अमेरिका से भी नहीं आते। देखो कई लोग बोलता है नहीं, हम लोग अमेरिका में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, पास्टर क्या बोल रहे हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। मैं अमेरिका जाना नहीं जाना ये बात नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं आपके उन्नति कोई भी जगह पे हो परमेश्वर से आएगा, परमेश्वर से आएगा। बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, मेरा उन्नति आ रहा है, इट इज फ्रॉम गॉड। समय पे प्रभु आपको ऊंचा करेगा, इसलिए बैठो बैठो बैठो। आगे अपन आप को उठो मत, अपन आप को बड़ा करो मत, अपन आप को पास्टर बनो मत, अपन आप को बड़ा व्यक्ति बनो मत, अपन आप को महान व्यक्ति बनो मत, अपन आप को रवरन मन बनो मत। आप जब प्रभु के सन्निधि में दीन होकर बैठेगा, बाइबिल कहते हैं बलवंत हाथ के नीचे बैठे, आमेन। आप नित्य समय पे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, नित्य समय करके एक समय है, उस समय आपका हेड ऊपर आएगा, आपके सिर को प्रभु उठाएंगे। ये तो समय था योसेफ का जिंदगी में, परमेश्वर बोला था हे योसेफ मैं तुझे एक बड़ा प्रधानमंत्री बनूंगा, आमेन। उसको दर्शन दिया, लेकिन दर्शन तक पहुंचने के लिए बीच में प्रॉब्लम बहुत है। हालेलुया, समझ में आया तो हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। लेकिन परमेश्वर दर्शन दिया तू एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन परमेश्वर दर्शन नहीं दिया तू गड्ढे में गिरेगा, पोतीफेर आएगा, उनका वाइफ आके तेरे को डिस्टर्ब करेगा, तेरे को बदनाम होने वाला है, प्रिजन में डाला जाएगा, तेरे को खराब करेगा। बोला तो वो सब आने वाला है, लेकिन आप उसको पार करना पड़ेगा। हालेलुया बोले। कैसा पार करेगा? My vision is there, my dream is there, मेरा dream, मेरा vision, मैं छोड़ेगा नहीं। उसी को पकड़ के पवित्रदाई के साथ, प्रार्थना के साथ, अभिषेक में भर के आप आगे बढ़ते जाओ तो आपका गड्ढा में गिरे तो भी गड्ढा से बाहर आएगा, कोई भी बदला आए वहां से बाहर आएगा। आप कोई भी जगह पे रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके उन्नति तुम्हारा कोई मनुष्य के पास नहीं है, ये बाबा से आएगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब ऊंचा करना प्लान किया तो कोई उसको नीचे नहीं कर सकता। ये बात आप मन में रखे, आगे बढ़ते जाओ, आपको आपके संतान को, आपको पोता पोती, आपका फैमिली मेंबर्स नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉमिसेस है हमारे ऊपर, परमेश्वर का प्रॉमिसेस ऑलरेडी है। क्या है प्रॉमिसेस? मैं तुझे लाने पूछ नहीं सिर बनूंगा। बोलो बोलो, मैं सिर हूं, मैं पूछ नहीं है। मुझे प्रभु बोला हुआ बात, मैं तुझे आशीष करूंगा। बीच में एक आदमी आके बोले तू साबित होएगा, उसको बोलो ऑलरेडी मेरा महाराजा ने बोला है आशीष होएगा करके। हालेलुया, थोड़ा समय में वेट कर रहा हूं। तो महान होने का एक सोच पत्रोस को बीच में आया, लेकिन यीशु डांटा, बेटा ऐसा नहीं, हम अन्य जाति लोग नहीं। दूसरों को हाथ देके बोलिए हम अन्य जाति नहीं है। अन्य जाति का स्वभाव बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अन्य जाति लोग क्या करते? विचार करते, चिंता करते। यीशु बोला परमेश्वर के राज्य को पहले खोज दो, तुम चिंता मत करो, आकाश का वो हमें चिड़ियों को देखो, उसको पिता उनका पिता उनका उनको पीछे एक पिताजी है, उसको कितना अच्छे से संभालते हैं, और घास को देखो कितना अच्छे से वो फूलते हैं, कितना अच्छे से वो बढ़ते हैं, उसको पीछे एक पिता है, उसको अच्छा से सुंदरता से देखो। कमल को देखो, कमल कितना सुंदर है, देखने से भी हमको अट्रैक्शन होता है ना। तो यीशु बोला देखो ये कमल को एक पिताजी ने बनाया है, वो पिताजी तुम्हारा पिताजी है, वो पिताजी वो कमल को जैसा सुंदरता में बनाया ना, उससे भी सुंदरता में तेरे को बनेगा, क्योंकि तुम उससे भी बड़ा विशेष है, स्पेशल है। बोलो स्पेशल हूं मैं। आज दिखते हैं, कल मुरझा जाता है। एक कमल को इतना सुंदरता में बनाते हैं, आनंददा के लिए परमेश्वर बनाया हुआ अपने बच्चों को कितना अच्छी तरह से प्रभु देश में
गया। यीशु अच्छा कुमार है, आपको बनाने के लिए आ गया है। अगर आप डेडिकेट करेगा, प्रभु जी अच्छा कुमार तुम्हारे हाथ में एक अच्छा मिट्टी का सामान मेरे जीवन को सौंपता हूं 100%। ये बिगड़ गया बर्तन को जैसा अध्याय यर्मिया का पुस्तक में कहता है, एक अच्छा बर्तन बना के दिखा दिया वैसा। इधर है हम बैठने वाला कई नए लोगों से भी पवित्र आत्मा कहता है, बिगड़ गया आपका परिस्थिति, आज प्रभु यीशु नया बनाना चाहता है, नया बनाना चाहता है, नया बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसा होगा? कई लोग पूछते हैं, पास्टर ये सब कैसा होगा, मैं क्या करना है? आप कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए कोई काम प्रभु बाकी नहीं रखा है, सारे काम यीशु तुम्हारे लिए कर चुका है। कभी कभी हमारे अंदर एक सोच आता है, मेरे को प्रार्थना करना पड़ता है, करने को नहीं होता है, मेरे को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं होता है, आपसे नहीं होता करके हमारे डाड़ी को मालूम है। मैं आज निर्णय लेता है, मैं पाप नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन जाते जाते जुड़ो, मैं गिरने वाला हूं, मैं गिरते रहता हूं। आवे आप बुरी तरह से ऐसा है करके दाढ़ी को मालूम है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वी आर हाइडिंग, हम लोग छुपा रहे। जैसा आधा पाप करने के बाद जाके एक पता का पीछे छुपके बैठा, इस परमेश्वर आके बुलाना पड़ा, आदम तू कुटे कहां है? हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमको बुलाना पड़ता है, हम चुपके बैठा है, हम सोचते हैं यहां चले, ये दिस इज कौन सा जोन, एक अच्छा कंफर्ट जोन है, आमेन, दिस इज कंफर्ट जोन है। जैसे जका चुपके बैठ के यीशु को देख के उधर से पाप और वापस जाके करने के लिए कोशिश कर रहा था, यीशु उनको बुला के उनको पाप का पश्चाताप करके उनके परिवार को पूरी तरह से चुका दिया है। हालेलुया बोले। तो यीशु आपसे क्या चाहता है? मैं से नहीं होगा करके यीशु के सामने बोलो, बोलो अपना आप को एक बार में समर्पण करके बोलो, मैं से नहीं होगा, मैं सामने आया हूं, आपको पता है प्रभु यीशु मैं कौन है, मैं गिरते ये सब करते, जैसा पतरस को पूछा, पतरस आमेन तू मुझे इससे अधिक प्यार करते, दो तीन बार प्यार आमेन बोलते, हाँ हाँ, आखिरी में बोले यीशु आप जानते, यीशु आप जानते, हालेलुया बोले। तो अपना आपको यीशु के सामने खोल के देना, यीशु के सामने। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम खोलता नहीं, हम चुपका छुपा के रखते, छुपा के चलते। यीशु के सामने बाइबल कहते हैं सब कुछ खुला है, आमेन। तो उसके सामने कुछ छुपाने को नहीं होता, लेकिन यीशु वेट कर रहे हैं, परमेश्वर वेट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनके सामने इतना दिन से है, फिर भी वो आके मेरे सामने। देखो अपन आपको नम्र करके, अपना पाप को पश्चाताप करके प्रभु के सामने प्रार्थना करके बोलो, प्रभु मेरे से नहीं होगा बट आपसे होगा, ये भी बोलना, आपसे होगा, हालेलुया। कैसा होगा? दैट इज व्हाट आई सेड, वो वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा से जैसा दाखरस पी के मतवाला पर बन के नशा से जैसा करते हैं वैसा आप जब आत्मा से भरते रहेगा आपका कुछ बाहर नहीं आएगा। आमीन। नशा से जो बोलते हैं, नशा होने के बाद जो बोलते हैं उसको भी पता नहीं है मैं क्या बोला, मैं क्या किया, क्या पता है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा वैसा है कि एक दाखरस है, वो पीते रहो, बोलो पीते रहो, कितना बार पीने का, 24 आवर्स। अगर आपको नशा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे आपको नशा होना है तो क्या करना पड़ेगा, पीने लोग बोलिए कोई ना, इधर कोई पीता नहीं है, फिर भी चुप चुप के कई लोग पीता होगा, तो वो लोग के लिए मालूम है ये बात, नशा, इवन पीने से नहीं नशा होते, बहुत कई सामान ड्रग्स है तो उससे भी नशा होते, नशा होने का समय क्या करते हैं उसको पता नहीं, उसको पता नहीं, वो जो अंदर हमें इंजेक्शन किया हुआ है, जो अंदर गया हुआ है उसका काम आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। हालेलुया बोलिए। वैसा पौलुस कहता है अन्य जा
बीच में तुम्हारा स्वभाव ये देश में ज्ञानी होगा कैसा होने के लिए ये में पौलुस करता है। तुम हर दिन हर समय अन्य आमीन ये आत्मा का दाखल से पीते रहे। हालेलुया, आत्मा में बढ़ते रहे। आत्मा में बढ़ना कैसा पास्टर जी? बाकी सब कुछ हमको मालूम है, दैट इज नेचुरल, बट दिस इज सुपर नेचुरल। ये पवित्र आत्मा से भरना कैसा है? पवित्र आत्मा से भरना है और कुछ नहीं करने का। आप 100% प्रभु के सामने बोलने का, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मेरे जीवन को मैं आपका हाथ में कंप्लीटली सरेंडर करता हूं। मैं मरना चाहता हूं, मैं अपने आप को नम्र करके दीन होकर समर्पण करता हूं। अभी मैं नहीं आप जीना है करके जब आप समर्पण करके प्रार्थना करेगा आमेन, ऑटोमेटिकली आपका अंदर से एक नदी बाहर बहना शुरू होता है। हालेलुया बोले। इसलिए यीशु बोले यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आके पियो, विश्वास कर लूंगा हृदय में से जीव जल का नदियां निकलेंगे। हालेलुया, कितने लोग चाहता है आज जीव जल का नदियां मेरे अंदर से निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां लिखा है एक वर्ड ध्यान से सुनो, मेरा अंदर जो विश्वास करते हैं उनका हृदय में से जीव जल का पानी निकलेगा करके नहीं लिखा है, जीव जल का नदियां सोता। हालेलुया, बड़ा नदियां निकलेंगे। हालेलुया, एक नदी का स्वभाव क्या है? हैं? वो बहते रहते, देर इस बहाव वो बहने का है, सो बहना मतलब रोक नहीं सकता है। आमेन। पेंटेकोस्ट का दिन में एक रिवर बहना शुरू हो गया। हालेलुया, अभी किधर भी रुक गया नहीं, मुंबई में नहीं रुका है, अमेरिका में नहीं रुका है, कोई भी जगह पे नहीं रुका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज वो रिवर बहते जा रहा है। इसलिए चंद्रपुर में भी इतना लोग इस जगह पे प्रभु यीशु को आराधना कर रहा है, क्योंकि ये देश में भी ये रिवर जा रहा है। क्या कितना लोग आज चाहता है मेरे से भी ये नदी बहना है? आपके घर के अंदर एक छोटा पानी, एक थोड़ा पानी नहीं बहता है, निर्णय लेना एक नदी बहना शुरू हो रहा है। हालेलुया, नदी का विशेष कितना भी काम छोटा छोटा जो अशुद्धि मलिनता जहां जहां फंस गया है ना, ये नदी पूरा उसको पूरा निकाल के जाएगा। हालेलुया बोलिए। तो दुनिया में बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे गलत टीचिंग्स, अन्य आराधना का शक्ति, अंधविश्वास का शक्ति देश में अधिकार कर रहा है। इवन जादू टोना, अनाविश्य मंत्र तंत्र करने का काम देश में एक एक जगह पे अधिकार कर रहा है। जब आप ये आत्मा से भर के जाएगा, ये नदी आपके घर से बाहर निकलेंगे, आपके देश में आपके चारों तरफ ये नदी का पावर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। समय नहीं है इसलिए मैं बंद करना चाहता हूं। आप सब लोग अपना अपना जगह पे खड़े हो जाएं। कितने लोग चाहते हैं मुझे ये आत्मा से भरना है, मुझे आत्मा से भरना है, मुझे आत्मा में चलना है। प्रार्थना कीजिए, सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। मुझे मालूम है इस जगह पे पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा उपस्थिति आमे हो रहा है। बहुत सारे आमे लोगों का मन को पवित्र आत्मा छू रहा है। एक नदी का शक्ति यहाँ आपको दिखाना चाहता है। सब लोग अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुंह खोल कर प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें। वो होली स्पिरिट मुझे मदद करना, मुझे आपकी आत्मा से चला दे, मुझे आत्मा में भर के मुझे चला दे। उडाला माना शखेले रियाम शफेरे अंतला उडा माना हतुल प्रौडगसी अंतला। एक मिनट अपना हाथ उठा के रखिए, परमेश्वर से बोलिए पवित्र आत्मा मुझे और ये नदी का सामर्थ्य मेरा परिवार में जरूरत है। पापा परमेश्वर से बोलिए मुझे और आपकी गहरे पे लेके चल, मुझे आपकी इच्छा पर लेके चल,
मैं जैसा किनारे में खड़ा था, ओ सब कुछ निराशा का बात बोल के, नेचुरल बात बोल के किनारे पे खड़ा था पत्रोस का जैसा, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मुझे मेरे पे लेके चल। कितने लोग कहते हैं ओ पवित्र आत्मा मुझे 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 भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, मुझे चला दे, मुझे आपके आत्मा से मुझे और लेके चल। ये देश में एक बहुत बड़ा फेदारी आपके द्वारा आने के लिए जा रहे हैं। 100% विश्वास कीजिए, आपके परिवार का मलिनता को हटाने के लिए जा रहे हैं, आपके देश का मलिनता को हटाने के लिए जा रहे हैं, देश पूरी तरह से फैलने के लिए जा रही है। कलीसिया देश के प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए जा रहे हैं। शैतान का सारे काम नाश होने के लिए जा रहे हैं। शैतान का सारे कार्य आपके सामने से निकल जाने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवार पहले का जैसा नहीं दिखेगा। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, सब लोग यीशु को बुखार करें। ओ पवित्र आत्मा मुझे भरे। पूरा वाला मारा अच्छा लगा, अच्छा लगा, लगा बना, अल्लाह का सुपुरी आशा का खड़ा। और इस पर थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू। Thank you for your presence. Aapke bachon par, aapke aatma. Yeah.
Father, we love you so much. Thank you for your presence, Lord. धन्यवाद दीजिए. मुझे मालूम है यहाँ मेरे को समय नहीं है, इसलिए मैं भर कर रहा हूँ. पवित्र आत्मा का एक मूव इधर चल रहा है. अनेक लोग का परिवार के अंदर कई सांप का जैसा आपका हाथ को, शरीर को, पेट को बांध के रखा हुआ कई दुष्ट शक्ति अभी रात से कहल अरे निकल जा रहा है, निकल जा रहा है. वो सांप और बिच्छुओं को मैं आज्ञा कर रहा हूँ यीशु के नाम में. सारे बिच्छुओं को जो एडिक्टेड स्पिरिट, गंदे फ्यूचर कंडीशन आउट इन जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस. इवन लिविंग इवन पावर इवन टाइम एम इज क्लोज नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. यू आर स्प्रेडिंग द नेम ऑफ जीसस. यू आर स्प्रेडिंग द नेम ऑफ. बोलो बोलो, कई लोग मुंह खोल के बोलो बोलो बोलो. आपके परिवार में कोई दुष्ट शक्ति वाली बात नहीं है. बोलो, मैं यीशु का हूं, मैं पवित्र आत्मा का हूं. बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं. आपको छू रहा है.
आपको ऑफरिंग देना है तो आप तो खड़े ही रहिए।